गाइज विनेश फोगाट भारत के लिए एक भी ओलंपिक मेडल नहीं लाई, लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने उनके लिए रोड शो निकाला। और इसी रोड शो के दौरान विनेश फोगाट ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मानो वो भारत के लिए एक नहीं बल्कि 10-10 मेडल लेकर आई हो। गाइज आपको याद हो तो जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और जीतकर वो अपने देश आए तो लाखों लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और उनके लिए रोड शो निकाला, जो कि विनेश फोगाट के केस में यहाँ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। विनेश के लिए हजारों लोगों ने रोड शो निकाला, लेकिन जो लोग भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेके आए, नीरज चोपड़ा, मनु, स्वप्निल, अमन सौरभजोत जैसे लोग जो भारत के लिए मेडल लेकर आए, उनके लिए ना तो किसी ने कोई रैली करी और ना ही उनके लिए कोई रोड शो निकाला। बट विनेश फोगाट जो ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीती है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले मेडल जीते हो, उन्होंने अपने पूरे करियर में ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता, लेकिन वो लोगों के साथ ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे उन्होंने भारत के लिए मेडलों की झड़ी लगा दी हो, और वो खुश है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में हरियाणा में इलेक्शन है और ये इलेक्शन से पहले वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो रोड शो कर रही है ताकि वो और जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रही है उनको इलेक्शन में फायदा हो। तो गाइस इस पूरे इंसिडेंट पर आप लोगों का क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना।